बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन का आखिरी मौका। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले छात्रों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक और आखिरी मौका दिया है। जिन छात्रों का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, वो सभी अपने स्कूल से 28 अगस्त 2023 से 31 अगस्त 2023 तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नियमित छात्रों को 420 रुपये और स्वतंत्र कोट के छात्रों को 550 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होगा। इस अवधि के दौरान यदि किसी विद्यार्थी के जारी मूल रजिस्ट्रेशन कार्ड में अंकित उनके नाम, माता पिता के नाम, फोटो, डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि, जाति यानी कास्ट, धर्म यानी रिलीजन, राष्ट्रीयता यानी जो उनकी राष्ट्रीयता है क्या है, नेशन किस कहाँ के रहने वाले हैं यानी भारत देश के, और लिंग यानी उनका जेंडर और विषय यानी सब्जेक्ट में अभी भी कोई अगर त्रुटि रह गई हो तो इससे संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा ऑनलाइन सुधार किया जाएगा। बिहार बोर्ड द्वारा निर्धारित तिथि तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले विद्यार्थियों को मैट्रिक बोर्ड परीक्षा से वंचित होना पड़ सकता है। 2024 के बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों का रजिस्ट्रेशन बिहार बोर्ड के पोर्टल पर एक साल पहले नवीं कक्षा में पढ़ने के दौरान हो गया था, लेकिन कुछ छात्र अपने कारण किसी भी कारणवश रजिस्ट्रेशन कराने से वंचित रह गए थे। इसलिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने छात्रों को एक बार फिर से छूट देते हुए 10वीं का रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2023 और 2024 जारी किया है। तो आपको बता दें, आपके लिए आखिरी मौका है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले छात्रों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक और आखिरी मौका दिया है। तो अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आपके लिए मौका है। जी हां, 28 अगस्त 2023 से 31 अगस्त 2023 तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नियमित छात्रों की जो फीस है वो है 420 रुपये और जो स्वतंत्र कोटि के छात्र हैं उनकी है 550 रुपये देकर वो रजिस्ट्रेशन शुल्क उनकी है और इतना देकर वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस अवधि के दौरान यदि किसी विद्यार्थी के जारी मूल रजिस्ट्रेशन कार्ड में अंकित उनके नाम, माता पिता के नाम, कोई भी अगर गलती है तो वो उसमें सुधार किया जा सकता है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।